पाठ एक वर्णमाला। भाषा को समझने के लिए वर्णों का ज्ञान आवश्यक है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के समान संस्कृत में भी दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर, स्वर के तीन भेद हैं, हर्स्व, दीर्घ व संयुक्त। हर्स्व अ, इ, उ, रि, लृ। दीर्घ आ, ई, ऊ, रि। संयुक्त ए, ए, ओ, ओ। कुल 13 स्वर होते हैं। विशेष लृ का प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत में मिलता है। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। कवर्ग क, ख, ग, घ, अंगले खाली। चवर्ग च, छ, ज, झ, अंगले खाली। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतःस्थ य, र, ल, व। ऊष्म श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन क जमा श, क्ष। त जमा र, त्र। ज जमा अंग खाली, ज्ञ। श जमा र, श्र। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। जिस व्यंजन के साथ स्वर नहीं जुड़ा होता, उसके नीचे हल चिन्ह लगा होता है। अयोगवाह अनुस्वार तथा विसर्ग अयोगवाह ध्वनियां कहलाती हैं। इनका रूप स्वर या उसकी मात्रा के साथ जुड़कर ही प्रकट होता है। मात्रा अ के अलावा जब कोई स्वर व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो वह मात्रा के रूप में दिखाया जाता है, जैसे क जमा आ, का। क जमा ई, की। क जमा ई, की, इत्यादि। स्वर जुड़ने पर व्यंजन के हल चिन्ह का लोप हो जाता है। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द के अंत में जिस स्वर की ध्वनि आती है, शब्द उसी स्वर से अंत होने वाला कहलाता है। वर्ण विच्छेद शब्द में आए वर्णों को पृथक करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वानरह व जमा आ जमा न जमा अ जमा र जमा अ, अकारांत। माला म जमा आ जमा ल जमा आ, आकारांत। मुनि म जमा उ जमा न जमा इ, इकारांत। नदी न जमा अ जमा द जमा ई, ईकारांत। भानु भ जमा आ जमा न जमा उ, उकारांत। वधु व जमा अ जमा ध जमा उ, ऊकारांत। पितृ प जमा इ जमा त जमा रि, रिकारांत। जिन शब्दों के अंत में कोई स्वर नहीं होता, वे हलंत व्यंजनांत शब्द कहलाते हैं, जैसे अर्थार्थ, पृथक आदि।